हेलो फ्रेंड्स, जस्ट फॉर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज डिस्कस करते हैं विटामिन्स। इनकी जो खोज की थी वो की थी एफ जी हॉपकिन ने। इसके लिए सिंपल सा याद रखना कि विटामिन के 6 टाइप है, ए बी सी डी ई एंड के। जो ई के बाद 3 वर्ड्स आते हैं एफ जी एच, वो इनके इन्वेंटर है एफ जी हॉपकिन। जो टर्म कॉइन की थी विटामिन, ये किसने की थी? सी फंक ने। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट। ये हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं और शरीर की मेंटेनेंस के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमें स्मॉल मात्रा में चाहिए होते हैं। अगर शरीर में किसी विटामिन की कमी है तो उसके कारण बीमारियाँ हो जाती है और ओवरडोज भी हार्मफुल है। विटामिन को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, फैट सॉल्युबल विटामिन, जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, और जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जो फैट में 4 विटामिन सॉल्युबल होते हैं, ए डी ई एंड के, और वाटर में जो सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं बी एंड सी। इसके लिए सिंपल सा याद रखना कि विटामिन ए डी ई के, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं के ई डी ए या के डब्ल्यू ई, या आप इसको कीड़ा भी बोल सकते हैं। आप याद रख सकते हैं कि कीड़ा वाटर में मर जाता है, तो कीड़ा वाटर में नहीं घुलता है। तो वाटर में जो बाकी बचे कौन बचे? बी एंड सी, वो घुलते हैं। आप एक और भी याद रखते हैं कि डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू से वाटर, बी से विटामिन बी, सी से विटामिन सी, तो वाइट ब्लड कॉर्पसल भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इनके केमिकल नेम, डेफिशिएंसी डिजीज और सोर्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल, बी का है थायमिन, सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का है कैल्सिफिरोल, ई का है टोकोफिरोल, एफ का है के का है फिलोक्विनोन। तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है, आपको याद रखना है रथ पर एक टॉफी। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, तो ये ट्रिक बड़ी काम आती है। रॉ से रेटिनॉल जो कि विटामिन ए का केमिकल नेम है, थ से थायमिन विटामिन बी का केमिकल नेम, पर आपको साइलेंट रखना है, और फिर ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सिफिरोल, टो से टोकोफिरोल, और पी से फिलोक्विनोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। जो विटामिन ए की कमी के कारण जो डेफिशिएंसी होती है वो होती है नाइट ब्लाइंडनेस। इसके लिए आपको कैरेट्स और स्पिनच लेने पड़ते हैं। विटामिन बी, जैसे कि नाम बी बी है, तो बी से कौन सी डिजीज होती है? बेरी बेरी। इसके लिए जो सोर्स है वो है एग्स एंड वेजिटेबल्स। विटामिन सी से स्कर्वी होती है, इसके कारण आपके जो गम्स है वो उनमें स्वेलिंग हो जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है। इसके लिए आपको सिट्रस फ्रूट्स लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी कारण रिकेट्स बीमारी होती है। इसके कारण क्या होता है कि जो बच्चों की जो हड्डियाँ होती है वो सॉफ्ट हो जाती है या फिर डीफॉर्म हो जाती है। इसके लिए फिश, सनलाइट और मिल्क सोर्स है। विटामिन ई के कारण इनफर्टिलिटी हो जाती है, इसके लिए आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल लेने पड़ते हैं। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाता है, जिससे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है आपके घाव से या वुंड्स से। इसके लिए जो सोर्स है वो है ग्रीन वेजिटेबल। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में वैसे मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि विटामिन सी का सोर्स क्या है, वो है सिट्रस फ्रूट्स। और दूसरा पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, वो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी के बहुत सारे टाइप है, बी वन, बी टू, बी थ्री, फाइव, सिक्स, सेवन, नाइन, ट्वेल्व। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन बी ट्वेल्व। बी ट्वेल्व का केमिकल नेम है साइनोकोबालमिन, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया में डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी हो जाते हैं। इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि विटामिन बी ट्वेल्व में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। जैसे कि नाम, केमिकल नेम भी है साइनोकोबालमिन, तो कोबाल या कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये भी एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो से जुड़े नोट्स चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज जस्ट फॉर स्टडी से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।